बच्चों, इससे पहली वाली क्लास ब्रेक हो गई थी तो अब आपको फिर से शुरुआत कर रहे हैं। इस उसी के आगे क्या है ये देखिए, आपका टर्म था AR K-R। पिछली वाली जो क्लास है उसके कट होने के बाद ये दूसरी क्लास है। K-R K-R-1, X^K-R-2, R=0∞ AR K-R K-R-1, X^K-R, R=0∞ 2AR K-R, X^K-R R=0∞ ARNN+1, X^K-R। अब आपने क्या किया, R=0∞ AR K-R K-R-1, X^K-R-2 R=0∞ AR, AR ये वाला टर्म पहले उठा लाए, ये वाला टर्म पहले उठा लाए, ARNN+1 K-R K-R-1 2, ये वाला 2K-R X^K-R। अब R=0∞ AR K-R K-R-1 X^K-R-2 σ R=0∞ AR NN+1 K-R K-R-1 2 X^K-R। अब आपका AR K-R K-R-1 X^K-R-2 σ R=0∞ AR NN+1 K-R K-R+1 X^K-R। ठीक है, X^K-R। ये इक्वेशन आइडेंटिटी है, दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, सो दैट कोफिशियंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ एक्स एक्स मस्ट बी जीरो, कोफिशियंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ एक्स मस्ट बी जीरो, दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, सो दैट कोफिशियंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ एक्स मस्ट बी जीरो। सबसे हम हाईएस्ट टर्म ले रहे हैं, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, दैट इज X^K, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स दैट इज X^K, X^K। अब यहां पर R=0 रख दीजिए, तो R=0 रखने पर K-2 आएगा भाई, A0 K K-1 X^K-, यहां R0 रखने पर X^K आएगा, तो इसी में रख दीजिए A0 NN+1 -K K+1 =0, -K K+1 =0। अब यहां पर सीरीज का कभी भी पहला टर्म जीरो नहीं हो सकता,
फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज मे नॉट बी जीरो. फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज मे नॉट बी जीरो. सीरीज का पहला टर्म जीरो नहीं हो सकता. फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज मे नॉट बी जीरो. तो पहला टर्म सीरीज का जीरो नहीं हो सकता. तो ए नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो. किसी भी सीरीज का पहला टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता. तो आपका एन एन प्लस वन, के के प्लस वन बराबर जीरो. बाय एन एन प्लस वन, के के प्लस वन बराबर जीरो. तो ये देखिए, एन स्क्वायर एन के स्क्वायर माइनस के बराबर जीरो. तो एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, के स्क्वायर एन माइनस के बराबर जीरो. इक्वेशन नंबर 11. ठीक है, ये क्वेश्चन 11. बच्चों देखिए, नोट कर लीजिए. आप बोर्ड से ही नोट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. पीडीएफ से वो चीज़ में अच्छा नहीं रहता. तो आप आराम से नोट कर लीजिए. आज पहले दिन क्लास है. अगर आपको नोट करने में कोई असुविधा हो रही है तो आप हमको फ़ोन करके बता देंगे. ठीक है, तो हम और भी आपको वेट कर लिया करेंगे आपका. अब देखिए बच्चों, क्योंकि अब तो हमें रफ करना ही पड़ेगा. ए आर के माइनस आर, के माइनस आर माइनस वन, एक्स की पावर के माइनस आर माइनस टू, आर बराबर जीरो टू इन्फिनिटी, ए आर के माइनस आर, के माइनस आर माइनस वन, एक्स की पावर के माइनस आर, आर बराबर जीरो टू इन्फिनिटी, टू ए आर के माइनस आर, एक्स की पावर के माइनस आर, आर बराबर जीरो टू इन्फिनिटी, ए आर एन एन प्लस वन, एक्स की पावर के माइनस आर. अब आपने ए आर के माइनस आर, के माइनस आर माइनस वन, एक्स की पावर के माइनस आर माइनस टू, प्लस आर बराबर जीरो टू इन्फिनिटी, ए आर एन एन प्लस वन, के माइनस आर, के माइनस आर माइनस वन, ये लिख दिया, माइनस टू के माइनस आर, ये वाला ये लिख दिया, ये वाला ये, एक्स की पावर के माइनस आर. अब आर बराबर जीरो टू इन्फिनिटी, ए आर के माइनस आर, के माइनस आर माइनस वन, एक्स की पावर के माइनस आर माइनस टू, आर बराबर जीरो टू इन्फिनिटी, ए आर एन एन प्लस वन, के माइनस आर, के माइनस आर माइनस वन प्लस टू. अब ए आर के माइनस आर, के माइनस आर माइनस वन, एक्स की पावर के माइनस आर माइनस टू, आर बराबर जीरो टू इन्फिनिटी, ए आर एन एन प्लस वन, के माइनस आर, के माइनस आर माइनस वन प्लस टू, तो के माइनस आर प्लस वन, एक्स की पावर के. दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी. ये इक्वेशन आइडेंटिटी है. सो दैट कोफिशेंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ एक्स मस्ट बी जीरो. ये इक्वेशन आइडेंटिटी है, इसलिए कोफिशेंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ एक्स मस्ट बी जीरो. अब नाउ इक्वेटिंग द कोफिशेंट ऑफ हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स. सबसे पहले हाईएस्ट, हाईएस्ट में एक्स की पावर के कर लीजिए. तो ये देखिए, आपने ये लिया ए नॉट एन एन प्लस वन, के के प्लस वन, एक्स की पावर के, आर बराबर जीरो यहाँ पे रख दिया. कोई भी पार्ट में भी इक्वेट कर सकते, वो दे नहीं रहा छोड़ दीजिए, जो दे रहा उसको ले लीजिए. तो ए नॉट एन एन प्लस वन, के प्लस वन बराबर जीरो.
फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज मे नॉट बी जीरो, किसी भी सीरीज का पहला टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ए नॉट जीरो हो नहीं सकता, तो ये जीरो होगा एन एन प्लस वन, के के प्लस वन बराबर जीरो, ये वाला जीरो होगा। ये ले लिया जीरो, एन स्क्वायर प्लस एन, के स्क्वायर माइनस के बराबर जीरो, एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एन माइनस के बराबर जीरो। अब देखिए बच्चों, देखिए आपका एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एन माइनस के बराबर जीरो, तो एन माइनस के, एन प्लस के, एन माइनस के बराबर जीरो, एन माइनस के, एन माइनस के, एन माइनस के आपने कॉमन ले लिया, एन प्लस के प्लस वन बराबर जीरो। अब इससे ले लिया तो ये आपको दो टर्म मिल रहे हैं, एन माइनस के अगर जीरो लोगे इफ, तो n बराबर आपका k आ गया एक, और अगर आप n माइनस n प्लस k प्लस वन जीरो लोगे तो n बराबर माइनस k प्लस वन आ गया, k प्लस वन। ठीक है, अब इधर बच्चों हम रफ करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 से ही फिर आगे भी करेंगे। तो एक आपकी इक्वेशन आई, आपको मिला इक्वेशन 11 तक हो गया था, 12 नंबर, n इज इक्वल टू k या k इज इक्वल टू n, वी ऑब्टेन्ड k बराबर n और k बराबर माइनस में एन प्लस वन। ये आपको वैल्यू मिल गई, एक के की वैल्यू वन है जिससे पी एन एक्स मिलेगा, और एक के की वैल्यू एन माइनस माइनस में एन प्लस वन है इससे क्यू एन मिलेगा। ठीक है, अब जरा सा ये इक्वेशन नंबर 9 हम लिखे रखें अलग से, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। आर बराबर जीरो टू इन्फिनिटी ए आर, ए आर के माइनस आर, के माइनस आर माइनस वन, एक्स की पावर के माइनस आर माइनस टू, प्लस सिग्मा आर बराबर जीरो टू इन्फिनिटी ए आर, ए आर एन एन प्लस वन माइनस में के माइनस आर, के माइनस आर प्लस वन, एक्स की पावर के माइनस आर, ये इक्वेशन है आपकी 14 नंबर, सॉरी 9 नंबर। और ये हमें अभी यूज करनी है तो हमने अलग से इसको लिख रखे, ये आपके। तो आपको k की वैल्यू एक मिली n जो देगा पी एन एक्स, और k की वैल्यू एक मिली n प्लस वन माइनस में n प्लस वन जो देगा क्यू एन एक्स। नाउ इक्वेटिंग, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के माइनस वन, इक्वेट करिए कोफिशिएंट एक्स की पावर के माइनस वन का, के माइनस वन, तो यहाँ पर ए वन रखते हो तो के थ्री हो जाएगा, ये नहीं दे, यहाँ पर ए वन रखते तो ये दे देगा, तो के की जगह आर की जगह वन रखिए, तो आपका आएगा ए वन एन एन प्लस वन, ए वन एन एन प्लस वन के माइनस वन, और ये रखोगे के माइनस वन प्लस वन प्लस बराबर जीरो, तो ये आपका आ गया तो आपका आ गया ए वन एन एन प्लस वन के माइनस वन इंटू के बराबर जीरो, के माइनस वन बराबर जीरो।